ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकीटविलसद्धस्ता विरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना या सुनना चाहिए, यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, सदा मैं वहीं निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालक के लिए यह महात्म्य अत्यंत शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाता है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। मन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर निर्जन स्थान में लुटेरों के
दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किंग बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागने लगते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष सभी दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वही इस विश्व को मोहित करती, वही जगत को जन्म देती तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वह ही घर में लक्ष्मी के रूप से स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वह ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। ओम नमः चंडिकायै।